दरभंगा एम्स को लटकाने भटकाने का आरोप लगाते हुए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार सरकार के खिलाफ अनशन जारी कर दिया। अनशन के तीसरे दिन भाजपा के केंद्र और राज्य की कमेटी के सदस्य एम्स निर्माण को लेकर शोभन बाईपास में चल रही अनिश्चितकालीन अनशन में भाग लेने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अनशन स्थल पर पहुंचे और बिहार सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार जानबूझ कर केंद्र की योजना को लटका भटका अटका रही है, लेकिन केंद्र की सरकार बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। वही बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार की मंशा है कि केंद्र की योजना को लटकाना अटकाना भटकाना। वो नहीं चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार के विकास संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंच सके। बिहार सरकार के कारण ये एम्स लटका है, लेकिन भारत सरकार संकल्पित है कि बिहार के विकास के बिना पूरे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। बिहार सरकार को हम लोग विवश करेंगे कि भारत सरकार को जमीन की व्यवस्था में वो सहयोग करे, जनता के बीच भ्रम की स्थिति न बनाए। राज्य सरकार लॉ लैंड जमीन एम्स के लिए दे रही है, जो सड़क से 15 से 20 फीट गड्ढा है। बिहार से देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, बिहार सरकार की जो मंशा थी केंद्र की योजनाओं को लटकाना भटकाना, और वो नहीं चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के अंदर जो विकास का संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचे, इसके कारण ये लटका है। लेकिन भारत सरकार संकल्पित है कि बिना बिहार के विकास का पूरे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, और बिहार सरकार को हम लोग विवश करेंगे कि भारत सरकार को जमीन की व्यवस्था में वो सहयोग करे, जनता के बीच भ्रम की स्थिति न बनाए।